क्या पता है दुनिया की सबसे पहली घड़ी यानी कि वॉच कैसा दिखता था, या फिर जो चिड़िया होता है वो जो वायर पे बैठ जाते हैं उसे करंट क्यों नहीं लगता। एक ऐसा इंसान जिसके पास दिल यानी कि हार्ट है ही नहीं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए बने रहिए वीडियोस के एंड तक। फैक्ट नंबर 9, क्या वो बताया कि दुनिया का पहला वॉच कैसा दिखता था। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, दुनिया का पहला वॉच कुछ ऐसा दिखता था जो कि गोल आकार में बनाया गया था। इसे 1868 में बनाया था जो कि फार्टेक फिलिपिक नाम के एक व्यक्ति ने बनाया था, जो कि कुछ ऐसे वॉच को बनाया करते थे जो कि कुछ ही लोगों के पास उस जमाने में ऐसे वॉच थे। फैक्ट नंबर 8, इस रॉक यानी कि इस पत्थर को आपने सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं तो ज़रूर देखा होगा दोस्तों, लेकिन आपको क्या पता है ये बीच में से कैसे कटा। वेल, इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं ये एलियन के वजह से ऐसा किया गया है, जो कि इसमें फैक्ट ये है कि दोस्तों ये जो पत्थर है ना उसके बीचों बीच जो काटा गया है वो बिल्कुल ही सटीक यानी कि बिल्कुल ही सीधा ही है दोस्तों, जो कि लगता है किसी एलियन या अन्य सभ्यता ने इसको काटा है, जो कि अभी तक रहस्य ही बना रहा है। फैक्ट नंबर 7, ये जो आप व्यक्ति दिख रहे हो जो कुछ ऐसे कंडीशन में है, लेकिन क्या आपको पता है ये जो व्यक्ति है इसके अंदर दिल यानी कि हार्ट है ही नहीं। किसी कारण यानी कि किसी बीमारी की वजह से इसके हार्ट को निकाल दिया गया था जो कि खराब हो चुका था। लेकिन एक फैक्ट इसके लिए ये है कि इसके अंदर हार्ट ना होने की वजह से भी ये जिंदा है, जैसा कि आप इमेज में देख ही रहे होंगे जैसे दोस्तों, जो कि इसमें आर्टिफिशियल हार्ट लगाकर जो ब्लड जो होता है ना वो चेंज किया जाता है, जो कि कुछ ऐसे। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है जो बर्ड होते हैं यानी कि पंछी वो खुले तार पर बैठते हैं लेकिन उसे करेंट यानी कि शॉक क्यों नहीं लगता। इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो चलिए मैं बताता हूँ। जब भी कोई इंसान अगर करंट को छूता है तो वो धरती में ज़रूर टच किए होंगे दोस्तों, तभी उसे करंट लगता है। यानी कि जो बर्ड होता है ना जो वो एक ही तार यानी सिंगल तार पे वो बैठता है, इसके कारण उसे शॉक नहीं लगते। वही अगर दूसरी तार में और जो एक दूसरे से टच कर ले या किसी भी सामान से टच कर ले तो उसे करंट ज़रूर लगेगा। इसी कारण जो बर्ड होते हैं उसे करंट यानी कि बिजली का झटका नहीं लगता। फैक्ट नंबर 5, ये जो पेड़ आप देख रहे हो एक कैसे ऐसे जो है ना वो टेढ़ है यानी कि उगा है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसका जवाब तो वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग बताते हैं एक गुरुत्वाकर्षण के वजह से हुआ है, जो कि गुरुत्वाकर्षण जो है ना इसे दक्षिण की ओर इसे सामने रखता है, जो कि वहाँ पर दक्षिणी ओर पर ना बहुत ही ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण है, इसके कारण ये जो पेड़ है ना वो दक्षिण ओर झुका हुआ है और फिर ऊपर चला जाता है। वेल, इसका प्रूफ तो कोई भी नहीं दोस्तों, ऐसे ही वो माना जाता है। फैक्ट नंबर 4, मैक्सिको के जंगल के एक खदान में नायका नाम का एक खदान है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो उसमें बहुत ही अजीब तरीके से एक क्रिस्टल बढ़ रहा था दोस्तों, जो कि बहुत ही अजीब लगता है। वैज्ञानिक के खोज अनुसार ये इसलिए ऐसा बढ़ रहा है जो कि बहुत ही सालों से ये ऐसा ही बढ़ रहा है, जो कि क्रिस्टल में परिणत होकर जो पानी जो ऊपर से गिरता है वो कुछ ऐसे ही बहुत ही बड़े क्रिस्टल में बदल जाते हैं, कुछ ऐसे गुफाओं में जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा टूरिज्म प्लेस भी ये हो चुका है। फैक्ट नंबर 3, यह है दुनिया का सबसे ज़्यादा बिल्लियाँ रहने वाला आइलैंड दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये आइलैंड ही बिल्लियों का है, इसे कैट आइलैंड भी कहा जाता है। इसे कैट आइलैंड इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि क्योंकि इस आइलैंड पे जो है ना वो 100 इंसान सिर्फ और सिर्फ रहते हैं, उससे 1000 से भी ज़्यादा ऊपर यानी कि हजारों के संख्या से भी ऊपर यहाँ पर बिल्लियाँ रहती है, जो कि इस आइलैंड को जो है ना वो मछलियाँ पकड़ने के लिए जाना जाता था। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको तैरना नहीं आता, तो ये फैक्ट आपके लिए ही है दोस्तों, क्योंकि ये जो समुद्र है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा अनोखा है। इसका नाम है डेड सी दोस्तों, जो कि एक समुद्र है जो कि समुद्र के पानी से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ये आम समुद्र का जो पानी होता है उससे 10 गुना ज़्यादा नमक है इस पानी में। इस पानी में ज़्यादातर जीव भी नहीं रहा जाता है दोस्तों, वो रहते ही नहीं। इस कारण से जो इंसान इसमें नहाने जाते हैं और नमक की वजह से ऊपर ही रहते हैं, वो कभी भी डूबते नहीं। फैक्ट नंबर 1, अवतार मूवीज तो दुनिया की सबसे बेस्ट मूवी में से एक है। इसने बहुत सारे पैसे भी कमाए थे, जो कि दुनिया का सबसे नंबर 1 वर्ल्ड बेस्ट मूवी में से एक है। लेकिन क्या आपको पता है एक बात दोस्तों कि ये जो मूवीज का जो सेट है वो पहाड़ वाले जो सीन आते हैं वो रियल लाइफ में भी है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये रियल लाइफ में है, जो कि चाइना में स्थित तियानजिन पर्वत है, इसी से इंस्पायर्ड लेके जो है ना वो जो पहाड़ वाले सीन थे उसे बनाया गया था, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, ऑडियंस को भी बहुत ही अच्छा लगा था ये सीन।